Hello beta, so let's move on to our next video. In this video now, what we will talk about, we will talk about the concept of acceleration, okay? Hum log acceleration ka concept jo hai, wo discuss karne wale hain. Dekhiye. What is basically acceleration, bete? It is the rate of change of velocity and with the passage of time. No doubt, rate ka matlab with the passage of time hota hai. With the passage of time, that's called the acceleration. और ये change in velocity है और velocity आपको पता है बेटे ये एक vector quantity होती है. तो इस वजह से it is like change in velocity by the time interval. ओके, सो दैट्स द मेन थिंग. ओके, अब सुनिए आगे क्या करना है. देखिए हम लोगों के पास ऐसे है, मान लीजिए एक बॉडी है, जैसे इस लोकेशन ए लोकेशन पे था जब, उसका स्पीड जो था ना बेटे, मान लीजिए वो है 3 meter per second. जब आगे गया उसका स्पीड हो गया बेटे, लेट इट बी इट इज 11 meter per second. तो यहां पे आपने ये देखा इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर गई, कितने अमाउंट के साथ, 8 के साथ. मान लीजिए यहां से इसने जर्नी शुरू किया था और यहां पे इसको 5 seconds लगे, तो आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी जो 8 आया कितनी देर में आया, 5 सेकंड में. तो इसी रेशियो का नाम आपने एक्सेलरेशन रखा, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बता दिया मैंने. और वैसे ही जैसे पहले करके हटे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, एक हम लोग लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, और इट्स लाइक द चेंज इन वेलोसिटी by the time interval, and one is the instantaneous acceleration, जिसको हम लोग differentiation के साथ solve करते हैं, ठीक है? अच्छा, acceleration now in 90% of the questions or 95% we go with this concept, okay? Now let me tell you something more about the acceleration. Check out acceleration जो है ना, वो no doubt बेटे d by dt of the change in velocity है, no doubt about that है ना कि ये change in velocity है. तो आप इसमें बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो acceleration है ना ये function of time है. मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है. लेकिन एक बार एक बड़े अच्छे बच्चे ने पूछा कि सर अगर ये function of x होता तो, let me remove this vectors here, vectors बाद में लगा लेंगे, ठीक है? कहता सर ये तो आपने बता दिया कि अगर acceleration function of time है तो फिर ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर एक्सेलेशन एफ ऑफ एक्स हो तो क्या होगा? फिर आपको पता है क्या करना था. मैंने कहा यार बहुत सोचा, मैंने कहा क्या करना चाहिए. तो कहता है सर डीवी बाई डीटी है ना, तो ये डीएक्स बाई डीएक्स मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है ना. तो ये देखिए डीएक्स बाई डीटी, इसका नाम क्या होता है, वी. तो ये कितना आ गया, वी डीवी बाई डीएक्स, राइट. यहां से एक्सेलेरेशन का वैल्यू vdv / dx आ गया. अब वो कुछ और बोलने वाला था तो मैंने उसको आगे बोलने नहीं दिया, बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं होती. तो एक्सेलेरेशन का नाम dv / dt, कब, जब एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, और एक्सेलेरेशन का vdv / d, कब, जब एक्सेलेरेशन इज फंक्शन ऑफ x. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो आने वाले टाइम में अपना टाइम आएगा जब, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हम ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, हमें एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है कि फंक्शन ऑफ पोजीशन. क्योंकि आपको पता ही है जब भी आप काइनेमेटिक्स
का बेसिक कुछ समझते हो तो काइनेमेटिक्स में बेस में पोजीशन और टाइम आते हैं, बस दैट्स इट, दैट्स द मेन पॉइंट। ओके ओके, तो यहां से एक बड़ी चीज आप समझ पा रहे हो कि एक देखिए कनेक्टिविटी, देखिए एक्स, देखिए आपने लिखा पोजीशन, पोजीशन को करा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करा तो बोल दिया जी वेलोसिटी है जी, अच्छा जी फिर वेलोसिटी को कर दिया फिर से डिफरेंशिएट तो क्या आया जी एक्सेलरेशन आया जी। ओके ठीक है, मतलब अगर आपने पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अच्छा ओके, अगर मैं यहीं पे एक चीज और भी शेयर कर देता हूँ, अगर आपने कहा कि सर अगर उलट जाना हो तो, मतलब अगर एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन जाना हो, तो मैं बोलूंगा बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं, जो भी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, जो प्रीवियस वीडियोस थी, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम भी आ सकता है और एक्सेलेरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ पोजिशन भी आ सकता है। अच्छा अब उसके बाद हम लोग जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और अब मैं आपको बता दूं इसके साथ, ठीक है, देखिए ए का नाम आपने रखा डी बाय डी टी ऑफ वी, बहुत अच्छा रखा नाम, बहुत बढ़िया लगा, तो डी बाय डी टी ऑफ वी का नाम लिख दो बेटे डी एक्स बाय डी टी, तो ये कितना आ गया बेटा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसको बोलते ऐसे डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं इसको। ओके ऐसे बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव वर्ड भी यूज करते हैं इसका नाम, इसका नाम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी भी बोलते हैं, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ओके अभी देखिए क्वेश्चंस इसके रिलेटेड कैसे करने हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है पोजिशन जो है, जो एक्स है वो आपको दे रखा है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलेरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। नाउ ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो यहां पे एक्सेलेरेशन निकालनी है जब बॉडी रेस्ट पे आएगी, ठीक है। ये अब यही क्वेश्चन हमें डिफाइन करेगा, यार इसका मीनिंग क्या है, मुझको नहीं पता लगा, पता नहीं क्या मीनिंग है यार, ठीक है, पर ये तो पता है एक्सेलेरेशन का नहीं जब बॉडी रेस्ट पे, तो यहां से मेरे को ये पता लग रहा है बॉडी रेस्ट का मतलब है जब वेलोसिटी जीरो है, तो मेरे को क्या करना है, पोजीशन दे रखी है मेरे को टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो यार क्या दिक्कत है, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर दो, डी टी एक्स बाई डी टी करो, कितना आ गया डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद बेटे 3t स्क्वायर माइनस 12t आ गया, राइट, और ये वेलोसिटी आ गया, हमें बोला गया फाइंड द एक्सेलेरेशन व्हेन दिस वैल्यू इज हियर, नाउ इट्स वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज ही इज सेइंग वेलोसिटी जीरो, तो यहां पे बेटा आपने वेलोसिटी निकाल दिया कितना 3t स्क्वायर माइनस 12t, राइट। नाउ बाय क्वेश्चन आपको यही वेलोसिटी को बेटे जीरो पुट करना है, जब आप इसी वेलोसिटी को जीरो पुट करने वाले हो तो आपके पास t कॉमन आ जाएगा, आएगा 3t माइनस 12 इज इक्वल टू व्हाट बेटे जीरो, तो यहां से t की दो टर्म्स आ जाएंगी, t यहां तो जीरो है या t की वैल्यू 4 है, बस वैल्यू पुट कर दो। अच्छा इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से एक्सेलेरेशन कितना आ गया बेटे dv बाय dt कितना आ गया 6t माइनस 12, जब t जीरो है बेटे तब एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, t को जीरो पुट कर दो माइनस 12, t को जीरो पुट कर दो ना तो माइनस 12 आ गया, जीरो पुट कर दो तो ये आ गया बेटे माइनस 12। ओके और जब टी को बेटे 4 पुट कर दोगे एक्सेलेरेशन की टर्म में, ये वाली जो एक्सेलेरेशन है ये एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ रहा है 6 4 24 माइनस 12 इज प्लस 12, दैट्स आंसर। ओके क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द एक्सेलेरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बस ये टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दे रहा है ज्यादा, ये चीजें क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अभी देखिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री टी
i cap plus 4t j cap. Okay, find the velocity. Find the velocity जब t, वन सेकेंड है बेटे, ठीक है, एंड स्पीड भी निकालना है इसी इंस्टेंट पे. स्पीड इज ऑल्सो जब t वन सेकेंड है, ठीक है, स्पीड भी निकालना है, ऑल्सो ऑल्सो स्पीड भी निकालना है. और एक्सेलेरेशन भी निकालनी है यार, क्या बात है. क्वेश्चन तो इजी है, इजी इजी क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो मजा आता है ना. तो टाइम जब टू पर टू सेकेंड है जब, वेरी सिंपल, लेट्स मूव विद दैट. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपको पोजीशन दे रखी है और साथ में टाइम दे रखा है, तो पोजीशन टाइम से, जब आप पोजीशन से टाइम की तरफ जाते हो बेटे, पोजीशन से टाइम की तरफ जाते हो तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी से टाइम की तरफ जाते हो तो एक्सेलरेशन आता है. तो सबसे पहले क्या करो, बड़ी बड़ी से अच्छे अच्छे से काम करते हैं, 3t i कैप प्लस 4t j कैप लिख के वेलोसिटी निकालते हैं. d by dt of 3t i cap plus 4t j cap. तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास 3 i cap plus 4 j cap. और यहाँ पे जो आप चीज को समझ पा रहे हो ना बेटे, वो ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे velocity जो है, it is not the function, it is independent. t की power 0 है ना, इसमें time ही नहीं आ रहा, तो it is independent. It is independent of t. ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है बेटा, इसका मीनिंग क्या है, नॉट वेरिंग विद द टाइम, नॉट वेरिंग विद द टाइम. इफ इट इज नॉट वेरिंग विद द टाइम ना बेटे, इफ इट इज नॉट वेरिंग विद द टाइम ना, तो इट मींस वेलोसिटी जो है ना बेटे वो कांस्टेंट है. तो जब बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये बड़ी चीज आई यार, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो टाइम की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो जीरो हो गया. चाहे 2 सेकंड हो चाहे 10 सेकंड हो, एक्सेलेरेशन जीरो, बिकॉज इसका वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, ठीक है. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया तो टाइम चाहे 1 सेकंड हो चाहे 2 सेकंड हो, वेलोसिटी तो वही रहने वाली है. चाहे टाइम 1 हो चाहे टाइम 2 हो, जो मर्जी हो, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन इसकी जीरो है. पर इसका स्पीड निकाल सकते हैं बेटे, आपको याद होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर्स में. तो 3k i कैप का स्क्वायर जो होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5 meter per second. नाउ नो डाउट दिस इज द स्पीड. ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया. आई थिंक आपको समझ लग गया है क्वेश्चन. क्लियर हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया. अभी देखिए एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन है, इफ अ कार एक्सेलरेट्स विद एक्सेलेरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट अब एक्सेलेरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट है, पता लग ही रहा है आपको ना. तो ये बेटे 6x² प्लस 2x प्लस 5 है, ये दे रखा है. ओके, ये आपको दे रखा है कि इट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सो हमें बोला गया है, हमें बोला गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, find the velocity of particle when it is at x is equal to 3 meter given initial velocity given that initially it starts कहां से, origin से नहीं start किया इसने बेटा, question में दिया गया x is equal to 1 से start किया,
और कितनी स्पीड के साथ? विद द स्पीड वी, या जो मर्जी लिख लो, 2 मीटर पर सेकंड के साथ। ओके, तो इनिशियली का मतलब भी बेटा टी जीरो होता है, समझ पा रहे हो ना? ओके, अभी देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं। If a car accelerates with acceleration depends on the displacement, A is equal to 6x square plus 2x plus 5, find the velocity when it is at this position. और हमें ये given है initially. अब ये सारी चीजें क्यों given है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखिए, हमें पहली बात तो ये यहीं से पता लग गया here acceleration is function of x. तो अगर acceleration function of x है, हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं vdv by dx. जब हम लोग vdv by dx का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा बस वैल्यू को पुट कर दो, बस खुश हो जाओ फिर कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है? देखिए vdv आ गया, ये कितना आ गया, e. What is value of e? 6x square plus 2x plus 5 dx. बाद में आपको पता है यहां पे इंटीग्रेट करते हैं अपन, इंटीग्रेट करते हैं. जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो अभी देखो इंटीग्रेट में यहां पे लोअर लिमिट होती है, याद है ना? लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां पे लोअर लिमिट, यहां पे अपर. यहां पे लोअर लिमिट किसकी आएगी? v की आएगी. तो लोअर लिमिट इनिशियली लोअर लिमिट क्या है? 2. यहां पे लिखोगे 2. लोअर लिमिट इनिशियली मतलब लोअर लिमिट, तो 2 आएगा. और फाइनली इसका स्पीड क्या आएगा? v. और बाद में dx के बारे में, कौन सी लोकेशन पे इसकी वैल्यू 2 थी? 1 जब 1 था, जब x 1 था. कौन सी लोकेशन पे इसकी वैल्यू निकालनी है? 3 पे निकालनी है. बस फंडामेंटल वीडियोस हमने डिस्कस की हुई है इंटीग्रेशन की. vdv का वैल्यू क्या आने वाला है? v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2 टू v. इसको ना मेरे साथ साथ बोल देना, ठीक है? इंटीग्रेशन vdv फ्रॉम 2 टू v. क्या बोला? इंटीग्रेशन vdv फ्रॉम 2 टू v इज व्हाट? v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2 टू v. और ये अकेले के लिए की इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है? इंटीग्रेशन 1 टू 2 6x स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx. तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटे, x क्यूब कितना आ रहा है? x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 1 टू 2 आ रहा है 2. ये कितना आ गया? x square by 2, ये आ गया 5, और ये आ गया x 1 to 2. Okay, let's solve all that stuff. I don't want to solve right now. I'll give you the direct answer to that because it's very easy. It comes out to be 12. मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ बेटे, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है? सॉल्व कर लेना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का. एक और क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया ना सारे पॉइंट्स? लिमिट्स का पता लग गया ना कि ये वाली जो टर्म थी बेटे, ये वाली जो टर्म थी, हमें ये इनिशियली ये सारी टर्म क्यों दी गई थी? बिकॉज ये लोअर लिमिट्स थी, बिकॉज ये सारी की सारी लोअर लिमिट्स थी. ओके, अभी देखिए एक और क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of a particle is given as v is equal to 5 e raised to power t. Find the average acceleration and average velocity of particle between instants, between the instants when t1 is 2 second and t2 is 4 second. और ये given है जब t0 था x भी 0 था. बोले ये पता लगी क्या है ना, ये इनिशियल कंडीशंस होती है सारा कुछ, ठीक है? स्टार्ट अप द थिंग्स.
हमें क्वेश्चन दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, v इज इक्वल टू 5t, और हमें अभी ये दे रखा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलेरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द इंस्टेंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, आपको वेलोसिटी दे रखा है जो गिवन है, पहले वो लिखते हैं कॉपी पे, v इज इक्वल टू 5 e रेस टू पार्ट t, ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर अपने को एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है तो एवरेज एक्सेलेरेशन का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं होता, एवरेज एक्सेलेरेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेलेरेशन विद एवरेज एज द वेलोसिटी एट 4 seconds माइनस वेलोसिटी एट 2 seconds बाय 4 - 2, क्योंकि आपको पता है ना बेटे, एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला करवाया था ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है बेटे, वेलोसिटी का 4 सेकेंड क्या आएगा, 5e की पावर 4 माइनस 5e की पावर 2 बाय 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कुछ ना कुछ, वो रिजल्ट आ गया 5/2 e² कॉमन एंड e² माइनस 1 बाय दैट, e का वैल्यू कुछ 2.713 या 24 कुछ ऐसा होता है, तो नो वरीज विद दैट, ठीक है, दिस इटसेल्फ इज द आंसर, ओके। अच्छा फिर सेकंड आ गया बेटे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे, एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी चाहिए, अब दिक्कत वाली बात है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सप्रेशन से ना बेटे dx by dt करते हैं, तो यहां से बेटे dx आ जाएगा, dx की वैल्यू क्या आएगी, v dt आएगी, dx की वैल्यू क्या आएगी बेटे, v dt आएगी, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना, जब आप इंटीग्रेट कर दोगे बेटा, x की लोअर लिमिट कौन कौन सी लिमिट पे चाहिए, 2 पे आप मान लीजिए ये x1 है, और जब ये आपके पास 4 है तो ये x2 है ना, वही जो पहले करके थे, dt का इंटरवल आएगा, dx का इंटरवल आएगा, dx का इंटरवल जब आएगा बेटे वो तो x ही आ जाएगा, ये x1 से x2 आ जाएगा, ये आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 5 है ना, e raised to power t dt, ठीक है ना, सिंपल है, तो ये आएगा e raised to power t dt from 2 to 4, and you are aware of this also, जब e की पावर x का फॉर्मूला जो होता है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, अगर e की पावर x dx है तो तब भी वही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, तो ये भी वैल्यू क्या रहेगी, e की पावर t आ जाएगा 2 to 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, x2 माइनस x1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा बाहर, फिर e की पावर 4 माइनस e की पावर, मिल गया पॉइंट, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, एवरेज एक्सेलेरेशन एवरेज वेलोसिटी का, सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बेटा, व्हाट इज डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, व्हाट इज x2 माइनस x1, वो आपने निकाल दिया 5 पावर 4 बाय ए की पावर स्क्वायर, टी टू माइनस टी वन इज वॉट 2 सेकेंड्स, ये 2 आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अभी आप एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझिए, कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो न्यूमेरिकल के लिए आप यूज करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप ये चीज़ तो पता लग गई है सारी, ठीक है, नोट डाउन कर लेना बेटे साथ साथ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैनॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताता है, डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन बताता है बस, ठीक है, इट गिव्स अस दैट लोकेशन ओनली, इट गिव्स अस द लोकेशन ओनली, बट फॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन, we look at the velocity. अच्छा एक चीज और, पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी वर्ड भी आता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉजिटिव है. सो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉजिटिव है. और अगर वेलोसिटी लेस देन जीरो है मींस नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नेगेटिव है. एक चीज मैं इसके साथ सॉरी इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि v ग्रेटर देन जीरो है, v लेस देन जीरो है, पर जो प्लस वेलोसिटी हो, प्लस वेलोसिटी का मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं है, माइनस वेलोसिटी का मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं है. तो ये चीज याद रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए, इफ v इज इक्वल टू t प्लस वन, फाइंड s एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में उसका कहां पे, इफ If initially body is at the origin, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अब क्या दिक्कत है, इजी क्वेश्चन है ना, और हमें पता ही है एस निकालने का, तो एस कितने किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल वी डी टी के, है ना. थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया बेटा, डी एक्स बाई डी टी वी होता है ना, तो डी एक्स किसके बराबर आ गया, वी डी टी के. जब इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो उसी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का नाम मैं अभी एस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वी डी टी आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है. एस v का वैल्यू क्या है बेटे, t प्लस वन है ना बेटे, t प्लस वन dt आ गया, ठीक है. जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन t dt आता है, इंटीग्रेशन dt आता है, प्लस आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताया था कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखते हैं, जब लिमिट्स नहीं दी जाती तब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, बताया था आपको, जब लिमिट्स नहीं दी जाती तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, ये बेटा लिखते ये हैं, ओके. तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटे, ये ऐसा आ गया, ये आ गया टी स्क्वायर बाय टू, ये आ गया टी प्लस सी. अभी ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते लिखते हैं, पर इसका जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है. अब देखिए कैसे, इसका जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है. देखिए कैसे, आपको ये दे रखा है, देखिए यहां पे आपको क्लियर होगा कि इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है. देखिए एक बार, ये वैल्यू दे रखा है, इनिशियली द बॉडी इज एट द ओरिजिन, ओके. इनिशियली का बोले तो, इनिशियली इज लाइक टी इज जीरो, इनिशियली इज लाइक टी इज जीरो एंड इट इज एट द ओरिजिन इटसेल्फ, तो एक्स इज जीरो,
अब ये देख पा रहे हो इसमें जब आप टी जीरो पुट करोगे, जब आप टी जीरो पुट करोगे तो आपके पास एस बी जीरो आ जाएगा, तो यहां से आपके पास सी बी कितना आ गया बेटे, जीरो। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास एस का वैल्यू कितना आ गया, टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी, टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी। अब हमें बोला गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, सो बाय क्वेश्चन बेटे, सो बाय क्वेश्चन जब टी की वैल्यू फोर थी तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, फोर स्क्वायर बाय टू प्लस फोर। बाद में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करेंगे तो ये बेटे 12 के बराबर आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल बेटा, इट्स वेरी सिंपल। ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट है, दिस वॉज काइनेमेटिक्स 03।